वडोदरा शहर में रोगचाळो तंत्रना काबू बहार जई रह्यो छे। रोज शहरना नवा नवा विस्तार में मच्छरजन्य तेमज पाणीजन्य रोगना केस नोंधाई रह्या छे। खानगी हॉस्पिटल में वायरल अने डेंग्यूना केस वधी रह्या छे, जेमा डेंग्यूना रोजना सरेराश 200 થી વધુ કેસ નોંધાતા હોવાની જાણકારી મળી રહી છે। બીજી તરફ સયાજી હોસ્પિટલમાં સીઝનલ બીમારીના કેસ વધતા વોર્ડ ઉભરાયો હતો, જેને પગલે દર્દીઓને નીચે સુવડાવવા પડ્યા હતા। વડોદરા શહેરમાં આ વખતે ડેન્ગ્યુના કેસ વધ્યા છે। છેલ્લા 1.5 મહિનામાં એક ધારા કેસ આવી રહ્યા છે। સયાજી હોસ્પિટલના ઓપીડી વિભાગમાં ફ્લૂના દર્દીનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો। હાલ કોરોના નબળો પડ્યો છે, પરંતુ સીઝનલ બીમારીનો ભરડો જોવા મળી રહ્યો છે। डेंगू हुआ था सर, और डेंगू होने के बाद मतलब कि कुछ दिन मतलब बुखार वगैरह आया, और बुखार आने के बाद फिर एक से दो दिन के बाद मैंने यहाँ एडमिट कराया। फिर उसके बाद कुछ दिन प्लेटलेट्स वगैरह जो कम होता है डेंगू में, वो प्लेटलेट्स कम होते गया। फिर कुछ दिन के बाद, दो तीन दिन के बाद फिर ठीक से मतलब कि प्लेटलेट्स था। एडमिट करवाया ये इधर SSG हॉस्पिटल में। आपको बेड मिला है? बेड मिला था जी, और बेड पे मतलब ही वो नीचे उस समय आया था तो जगह थोड़ा ज़्यादा भरेला था, तो बेड नीचे का मिला। फिर बाद में खाली भी हुआ तो मैं बोला इसको कि जो बेड पे चलो, तो बोला कि नहीं मेरे को इधर ही ठीक है। तो मरीज़ को यहीं पे अच्छा लगा तो मैं यहीं पे रहने दिया। बुखार लगा था। किस तरह से बुखार आया था? डेंगू बुखार हुआ था। अच्छा, कहाँ पर एडमिट हुए हो आप? SSP। अच्छा, आपको गद्दे पर सुलाया गया है, पलंग नहीं मिला? नहीं, हम जब एडमिट हुए तो बेड खाली नहीं था। अच्छा, क्या बोला? तो यही दिए मतलब गद्दा दिए, तो इसी पर सो गए हम, और यहीं पे दवा पानी हो रहा है। अच्छा, यहीं पे हो रहा है? हाँ। कैसे किस प्रकार की कारवार हो रही है आपकी, देख रेख हो रही है? बढ़िया हो रही है, दवा पानी टाइम से हो रहा है। જો કે હોસ્પિટલના સંચાલકોએ સ્વીકાર્યું હતું કે દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે, પરંતુ કેટલાક દર્દીઓને થોડા સમય માટે જ જમીન પર સુવડાવવામાં આવ્યા હતા। અચાનક વધી ગયેલા રોગચાળાના કારણે હોસ્પિટલ તંત્ર પણ લાચાર જોવા મળ્યું હતું। અભી લાસ્ટ 15 દિન સે SSG હોસ્પિટલ મે જો અભી વાયરલ ડિસીઝ હે કે જેસે કે આપને બોલા કે થોડે થોડે સ્વાઇન ફ્લૂ હે, फिर झाड़ा के केस है, डेंगू के केस है, चिकनगुनिया के केस है, और बाकी सारे रोग जो है पानीजन्य रोग यानी कि जो वाटरबॉर्न डिसीज़, उसमें काफ़ी मात्रा में ज़्यादातर लो पेशेंट आए और काफ़ी दर्दी ऐड हुए हैं SSG में। रोज़ के कम से कम पहले कोरोना या OPD में यानी कि मेडिसिन विभाग की OPD में रोज़ के 200-200 पेशेंट आते थे। अभी लास्ट दस दिन में ये रोगचाड़ा की वजह से केसों में लगभग 100% ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, यानी कि 400 पेशेंट यहाँ SSG में ये वायरल रोगों की वजह से दाखिल होने के लिए यहाँ आते हैं। और बाकी जो डेंगू रोग है इसमें काफ़ी सारे पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो उनको एडमिट करके ही कंपलसरी सारवार लेनी पड़ती है। SSG में बेड की मात्रा में बिल्कुल कमी नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ 50 पेशेंट आ जाओ एक साथ ऊपर दाखिल होने के, तो 10-15 मिनट के लिए नीचे का आप आराम करो, तो तुरंत फिर 10 मिनट के बाद तरत फिर वापस कोर्ट पे ले लेते हैं। यानी कि इस SSG में बेड की कोई तंगी नहीं, आज भी ऊपर आप देख सकते हो। પૂરા રાજ્યમાં આ પ્રકારની જ સ્થિતિ સર્જાય છે। મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ઋતુજન્ય રોગચાળાએ માથું ઊંચક્યું છે, સામે પક્ષે તંત્ર પણ અલર્ટ થયું છે। વડોદરાથી દિગ્વિજય પાઠકનો અહેવાલ, ગુજરાત તંત્ર।